Hi, I'm Sanjeev from TBC Rai. Hello, I'm Shubhrajit and मैं एक टेक मैगजीन के लिए लिखता हूँ. मेरा स्मार्टफोन पर रिव्यूज निकलता है, यूट्यूब में भी वीडियोस निकलता है. हेलो, मैं हूँ सुधांशु और हम लोगों को गैजेट्स, नए नए गैजेट्स और टेक्नोलॉजी यूज करने के पैसे मिलते हैं. बेसिकली दैट्स आवर जॉब. पहली चीज तो बैटरी देखना बहुत जरूरी है. कैमरा जरूरी है शूटिंग के लिए, लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो आप कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो. बट अगर आपके फोन में बैटरी नहीं रहेगी ट्रैवल के टाइम पे तो आप कुछ भी शूट नहीं कर पाओगे. इसलिए फ्लैगशिप फोन लो या कोई भी फोन लो, अगर वो लास्ट नहीं करता तो कोई फायदा नहीं. तो बैटरी देखना जरूरी है, कैमरा देखना भी जरूरी है. और अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो वीडियो क्वालिटी मोर देन स्किल्स आपको कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि कुछ फैक्टर जैसे कि माइक स्टेबिलिटी और नाइट में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है कैमरा की, ये सब बहुत मैटर करता है. तो आई थिंक शुभ्रो इज द बेटर पर्सन टू टेल यू इन डिटेल अबाउट दिस. मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, मेरा हिंदी थोड़ा वीक है. व्हाट अ गुड फोन with a good battery life. So the 5000 mAh battery should be good enough for you to last a day. But if 5000 mAh battery mein agar dekhenge to there's a couple of phones. Ek Vivo U20 bolke ek phone mere dimag mein abhi off the top of my head aa raha hai, and that ticks off almost all the list. It has a triple camera jisme aapko ek primary lens 16 megapixel ka milega aur ek 8 megapixel ka ultra wide lens milega aur ek macro lens bhi milega uske sath. नहीं, मैक्रो लेंस नहीं है, वो डेप्थ सेंसर है, माय बैड. जो भी है तो उसमें से आप अल्ट्रा वाइड के साथ तो एक बहुत ही सही सा, अगर पहाड़ वहाड़ में जा रहे हो और बीच में जा रहे हो स्पेशली तो फोटोज उसमें बहुत सही आता है. एंड 5000 mAh बैटरी है उसमें, तो दैट विल इंश्योर दैट द फोन आल्सो लास्ट एट लीस्ट टू वन डे ऑफ द ट्रिप. एंड इफ यू, ये काफी पुराना फोन हो गया, लेकिन अगर आप थोड़ा नया फोन अगर चाहेंगे तो दो तीन फोन्स है, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली एट 15000. आई वुडंट रिकमेंड buying the base variant of these phones. थोड़ा एक mid variant अगर 6GB RAM के साथ और 64GB या 128GB storage के साथ अगर ले लेंगे तो the experience would be much better. और it's a phone is not something you will use just on a trip, right? तुमको शहर में भी use करना है, जहाँ पे भी रहोगे वहीं पे भी use करना है. So a phone like the Poco X2 या Realme 6 Pro. यार जो रिसेंट Redmi Note 9 Pro भी आया है वो भी काफी सही है. द कैमरा, बैटरी, परफॉर्मेंस, एवरीथिंग इज प्रीटी गुड. बस उस फोन पे एड्स बहुत आते हैं, सो इस पे ध्यान रख के आप यूज कर सकते हैं. स्टेबिलिटी के लिए इनमें से कौन सा बेटर? मैं तो बोलूंगा पोको X2 और Realme 6 Pro, दोनों फोन्स काफी सही है. इसके एक ऑप्शंस आते हैं जो स्टेबलाइज, एक्स्ट्रा स्टेबलाइज कर देते हैं, इट्स कॉल्ड AI स्टेबलाइजेशन. और उसमें से वीडियो आउटपुट थोड़ा क्रॉप्ड हो जाता है फ्रेम, यू वोंट गेट द एंटायर फ्रेम ऑफ व्हाट यू आर सीइंग नॉर्मली इन द कैमरा. बट अगर वो मोड यूज कर लोगे तो उसका वीडियो बहुत स्टेबल है. सो अगर आप कोई बाइक में जा रहे हो कहीं लद्दाख वद्दाख में एंड आपको पूरा रोड ट्रिप शूट करना है उसके साथ, तो आप एक ट्राइपॉड के साथ उसको अपने बाइक के सामने प्लॉन्ग कर दो और पूरा रिकॉर्ड कर दो. इट्स गोना बी अ वेरी स्टेबल आउट. एकदम प्रॉपर GoPro जैसा एक्सपेक्ट मत कर लेना, बट क्लोज इनफ. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मतलब ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए रगेड फोन बहुत जरूरी है या वाटरप्रूफ फोन बहुत जरूरी है. तो एक चीज तो ध्यान रखना, रगेड केस उससे ज्यादा जरूरी होता है. वही मैं बोल रहा था कि अगर 15000 का बजट है, पहली चीज तो आई थिंक 15000 में IP68 certified कोई फोन नहीं आता, मतलब waterproof, flash proof मिल जाएगा. हाँ, Redmi के जो फोन होते हैं उसमें खास बात ये होती है स्लिंग हो रही है या बारिश में, अगर हाँ बारिश में फंस जाएंगे तो थोड़ा बहुत सेफ रहोगे. सेफ रहता है. आजकल मोस्टली सारे फोन ग्लास बैग या फिर प्लास्टिक बैग में ही आ रहे हैं. स्क्रैचेस बहुत ज्यादा पड़ते हैं भाई. प्रॉपर एक रगेड सा कवर ले लो जिसमें मतलब ग्रिप भी आए और एक पॉप सॉकेट भी लगा लो, तो उसमें से बहुत मतलब यूजफुल हो जाता है अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो. देखो भाई,
Realme 6 is a good phone under 15,000. I agree. Redmi Note 9 Pro. तो मैं तो टॉप टू में यही दोनों बोलूंगा. For a variety sake मैं बोलूंगा Samsung Galaxy M31 और Note 9 Pro. Nope. Follow TBC Rai. We have seen it grow from like zero, which was nothing. कोई एग्जिस्ट नहीं करता था टू लाइक समथिंग दैट इज एंगेजिंग विद अस. संजीव तो दोस्त है, सैम भी दोस्त है, लेकिन दोस्त है वो बात बात की है, लेकिन कंटेंट काफी अच्छा, मेहनत काफी करते हैं. फॉलो टीवीसी राही, हम लोग भी आते रहेंगे, टेक का ज्ञान देते रहेंगे. अगर टेक का कंटेंट राही पे पसंद आता है तो हम लोग को बुलाते रहना. थैंक यू संजीव.